लेसन नंबर सेवनटीन इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर इंडिया इंडिया का पास्ट और उसका फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीन ले सकते हो आप लोग क्योंकि बहुत सारी गाइड्स ऐसी हैं जिसमें ये चैप्टर नहीं है मतलब ये पेज मिसिंग है ठीक है ओके देन नाउ स्टार्ट इट्स अ काइंड ऑफ स्पीच बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने स्पीच दी थी ठीक uh, है उनकी ये स्पीच है जो हमें लेसन के फॉर्म में मिली है तो लेटेस्ट रीड इन दिस स्पीच नेहरू एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन इंडियन हिस्ट्री इस स्पीच में जो नेहरू जी हैं वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में अपने व्यू बता रहे हैं ही आल्सो टेल अबाउट हर ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर जो इंडिया के ड्रीम है जो उनके देश की धरती के जो सपने हैं फ्यूचर के लिए वो भी बताते हैं ही हैज वेरी हाई ओपिनियन अबाउट इंडिया इंडिया के बारे में उनके जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा उच्च हैं मतलब कि वो उससे बहुत कुछ चाहते हैं कि इंडिया तरक्की करे ठीक है ही हैज़ अ वेरी हाई ओपिनियन इंडियंस वर अ स्ट्रोंग एंड एनर्जेटिक रेस इन द पास्ट जो इंडियंस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे पास्ट में ठीक है जब जैसे हमारा देश जो आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है जब अंग्रेजों के आने से पहले हमारा जो देश होता था सौभाग्य से भरा हुआ होता था यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी ना ठीक है दे हैड अर्क टू नो अब उनको जाने की इच्छा है दे वर मैच्योर फॉर गिविंग एंड टॉलरेंट दे जो लोग थे वो क्या थे उनको जाने की इच्छा होती थी और जो थे वो मैच्योर होते थे मतलब फोर गिव करने वाले और उच्च कोटि के लोग होते थे टॉलरेंट होते थे मीन्स वो टॉलरेंस पावर उनकी जो थी बहुत अच्छी थी मीन्स वो लोग जो थे किसी भी चीज़ को टॉलरेट टॉलरेट करना मतलब उनको मतलब उनके अंदर इतना धैर्य होता था ठीक है दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट और गोड एंड दिस यूनिवर्स वो ये जानना चाहते थे कि इस यूनिवर्स का यहाँ पे जो भगवान हैं उनका कैसे वो उनकी जो रहस्य है उनको जानने के इच्छुक होते थे बट इन कोर्स ऑफ टाइम लेकिन टाइम के साथ साथ थिंग्स ग्रू वॉर्स जो चीज़ें थी वो बिगड़ती गई इंडिया लॉस्ट हर आइडियाज ऑफ फ्रेशनेस एंड यूथफुल विद्योर जो इंडिया था उसके जो फ्रेशनेस का जो ये आइडियाज थे मतलब जो ये सब चीजें थी इंडिया की वो सब खत्म हो चुकी हैं ठीक है बट अभी टाइम के साथ साथ जैसे है इंडिया में अब हालात जो है वो बिगड़ गए हैं द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इंटू जो सोसाइटी थी वो कास्ट क्रीड में मतलब जात पात में इन सब में डिवाइड हो गई थी ठीक है उसके बाद स्टिल इट वॉज एबल टू द पीपल हु केम हेयर एज इन्वेडर्स और ये इतनी एबल भी थी कि जो लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे ठीक है उनको भी सहारा देती थी तभी तो जब अंग्रेज लोग आए थे उन, उन्होंने उनको सहारा दिया था ठीक है और उन्होंने अपना थोड़े थोड़ा करके पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया था यहाँ पे ठीक है अब क्या हो रहा है स्टिल इट वॉज एबल टू हु केम हेयर इन्वेडर्स वो हो गया है इंडिया वॉज पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाई इस्लाम एंड देन दैस्टर्न कंट्रीज इंडिया जो है पावर रही है इंडिया के ऊपर जिसका जो रहे हैं यूरोप के लोग जो इस्लाम लोग थे पहले तो उन्होंने आक्रमण किया फिर पश्चिमी देश वेस्टर्न पीपल आ गए उनका भी जो है पूरा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा ठीक है द यूरोपियन बोथ न्यू आइडियाज एंड न्यू इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो यूरोप के लोग थे वो नए नए आइडियाज लाए नई नई औद्योगिक सभ्यताएं लेकर आए ठीक है जिसने इंडिया के कल्चर को भी बदला इंडिया टुडे इज फेसिंग द पास्ट एंड द फ्यूचर बोथ पुलिंग हर इन ऑपोजिट डायरेक्शन अब जो इंडिया है वो आज की बातें और जो आने वाले टाइम की जो बातें थी वो दोनों उसको एक दूसरे को खींच रहे थे मतलब कि कि पुराने टाइम में ऐसा होता था अब टाइम में ये हो रहा है तो वो सब चीजें उसको पुलिंग करती है डिफरेंट डायरेक्शन में शी इज फेसिंग ये शी जो है वो इंडिया के लिए यूज हुआ है ठीक है शी इज़ फेसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड आइडियाज़ वो उन दोनों के बीच में जो है परिवर्तन जो है उन दोनों आइडियाज़ के बीच में पुराने विचारों में नए विचारों में उसके बीच में फंस गया है क्यों कुछ लोग वेस्टर्न तरीके अपनाते हैं वो कहते हैं कोई नहीं जैसे आजकल के रीति रिवाजों को कहते हैं कोई बात नहीं अब कौन करता है ये तो पुराने टाइम की बातें हैं तो पुराने टाइम के तो कुछ रीति रिवाज़ है कोई उसको खींच रहा है और कोई नई चीज़ों को खींच रहा है ठीक है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं चेंज इज नो डाउट ने फॉर प्रोग्रेस जो चेंज है हाँ ठीक है चेंज जो है वो डिफ जो है वो जरूरी भी है कि यह डाउट नहीं है इसमें चेंज लाना जरूरी है सोसाइटी में बट नो कंट्री कैन एफर्ट टू ब्रेक विद इट्स पास्ट कम्प्लीटली लेकिन चेंज इतना भी नहीं लाना कि हमारा जो अस्तित्व है हमारा पास्ट का जो अस्तित्व है वो खत्म ही हो जाए अब हम हिंदू है मानो तो हिंदुओं का क्या है अगर हम हिंदुओं के रीति रिवाजों को इतना पीछे छोड़ते चले जाएंगे भी कोई बात नहीं इसमें कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है एक दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो हमारे आ, कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर हम उनको पढ़ना छोड़ देंगे अगर हम उनको अपनाना छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो यही वो कह रहे हैं कि चेंजेस लाना जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपना जो पास्ट है उसको ख़त्म ही कर दें डिनाइंग द पास्ट मीन अपरूटिंग अवर सेल्फ पास्ट को डिनाई नहीं कर सकते अगर उसको डिनाई करेंगे इसका मतलब हम खुद को ही खदेड़ रहे हैं खुद के लिए ही हम जो है आगे हमारा जो अस्तित्व खत्म कर रहे हैं ही रिस्पेक्ट गांधी जी अडोप्टिड अ गोल्डन पाथ गांधी जी ने जो है वो सच्चाई का गोल्डन रा जो उन्होंने चुनी थी गोल्डन पाथ मतलब जैसे अहिंसा का मार्ग उन्होंने चुना था कि हिंसा नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं शांतिपूर्ण उनके सिद्धांत थे जिन पे वो चलते थे ही रिस्पेक्टेड ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन की भी रिस्पेक्ट करते थे एट द सेम टाइम वर्क फॉर अ रेडिकल चेंज वो हमारे सिद्धांतों की भी रिस्पेक्ट तो करते थे हमारे कल्चर की परंपराओं की लेकिन साथ के साथ वो भी क्या चाहते थे कि नई परंपराएं भी हो नई चीजें भी हो बदलाव भी हो क्योंकि बदलाव भी जरूरी हैं कुछ चीज़ें जो बुरी थी उनको ख़त्म करना भी जरूरी था ठीक है ही अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड पीसफुल मीन्स मतलब वो जो थे शांतिपूर्ण और सत्य के सिद्धांतों को अपनाना चाहते थे ट्राई टू बिल्ड अ न्यू इंडिया और एंड ऑन ओल्ड फाउंडेशन मीन्स वो एक नया इंडिया बनाना चाहते थे पुरानी फाउंडेशन के ऊपर मतलब फाउंडेशन क्या होते हैं नींव होती है जैसे घर की नींव बनाते हैं घर बनाने से पहले तो वो क्या कहते हैं की पुरानी नींव पर जो इंडिया के ट्रेडिशन है उनकी पुरानी नींव पर एक नया इंडिया वो खड़ा करना चाहते थे नए विचारों वाला लिविंग डिमांड्स एडजस्टमेंट फॉर चेंजिंग कंडीशन लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए समझौता करने के लिए कुछ परिवर्तन जो है वो जरूरी भी थे चेंजेस भी जरूरी थे ट्वेंटियथ सेंचुरी सा रैपिड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ट्वेंटियथ सेंचुरी ने जो है बहुत सारे चेंजेस देखे बहुत मतलब रैपिड चेंजेस थे मतलब इतने ज़रा तेजी से बदलाव हो रहे थे द एडवासिस ऑफ साइंस हैज़ मेड इट पॉसिबल टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी ये सब चेंजेस कैसे आए ट्वेंटी सेंचुरी में जो साइंस ने जो तरक्की की विज्ञान ने जो एडवांसमेंट आई जो उसमें प्रगति आई उसके कारण ये सारे जो चेंजेस हैं वो इतनी तेजी से चेंज हुए इतनी तेजी आई उनमें एंड इट पॉसिबल टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ़ लाइफ टू एवरियन ऑल ओवर द वर्ल्ड और यही चीज थी जो बेसिक जो नेसेसिटी थी लोगों की जो लोगों की जरूरतें हैं जीवन की उनको आ, जरूरी थी वो ठीक है एवरियन की जो हर किसी की जो बेसिक नेसेसिटी थी उसको पॉसिबल भी वो तभी हो पाई सबको जब ये एडवांसमेंट आई नेहरू इज बोथ प्लेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड विद मॉडर्न इंडिया नेहरू जो है वो दो ही दोनों ही हैं मतलब जैसे आधुनिक भारत से वो खुश भी है लेकिन डिसअपॉइंट भी है मतलब दुखी भी है क्यों द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया आर रिमार्केबल जो पॉजिटिव क्वालिटीज है मॉडर्न इंडिया की वो रिमार्केबल प्रोग्रेस है रिमार्केबल मीन्स कि अच्छी एक प्रोग्रेस जो है कि जिससे मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ उसने कुछ अच्छा कुछ चेंजेस लाए हैं रिमार्केबल है ठीक है थीके? द नेगेटिव कुछ नेगेटिव क्वालिटी जिसके कारण वो है, क्या है? And and कुछ नकारात्मक गुण भी है जो नेगेटिव चीजें हैं उसमें ठीक है जैसे अतीत के कुछ बुरे प्रभाव कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जो चली आ रही हैं तो वो चीजें भी खराब करती हैं देर इज हावर अ रे ऑफ होप लेकिन यहाँ एक रे एक किरण है होप की इंडियंस आर नाउ मर्चिंग अड determination इंडिया के जो लोग हैं वो निश्चय लेकर एक एक निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं नेहरू होप एंड कंट्री बिकम सेल्फ सफिशियंट वो होप करते हैं वो आशा करते हैं और विश करते हैं कामना करते हैं कि जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशियंट बने कि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाए इट शुड फुलफिल इट्स फाइव ईयर प्लान वो अपना फाइव ईयर जैसे सरकार आती है पांच साल का प्लान बनाती है तो अपना फाइव ईयर प्लान जो है उसको फुलफिल करे ये कब की बात है जब भारत आजाद हुआ था ना तब नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी उस स्पीच के कुछ शब्द हैं ये तो वो उस टाइम की कह रहे हैं कि ये अपने जो पांच साल का अगला प्लान है उसको फुलफिल करे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए क्योंकि जिस टाइम देश आजाद हुआ था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल बुरा था यहाँ के लोगों का गरीबी बहुत ज्यादा थी लोगों के पास खाने को खाना नहीं था ठीक है रहने को घर नहीं थे तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी द फाइटिंग मास मीन लोग ठीक है जो लोग हैं स्टॉप फाइटिंग उनको रोक देनी चाहिए लड़ाई झगड़ा इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट लैंग्वेज और प्रोविजन मीन्स जात बरादरी लोक धर्म भाषा प्रांत के हिसाब से जो वो लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ वो बंद कर देनी चाहिए एवरी पर्सन गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी हर इंसान की अपनी एबिलिटी uh, है अप, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको योग्यता के अकॉर्डिंग उसको ये मौका मिले कि वो खुद को ग्रो कर पाए अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी इज इस्टेब्लिश ऑफ हेयर और ए क्लासलेस और कास्ट लेस मीन्स जहाँ क्लास ना हो ना मिडल क्लास हो ना रिच क्लास हो ना कास्ट हो कि एस सी है या बी सी है कोई भी कास्ट ना हो सिर्फ एक जो है यहाँ के लोगों में एक यूनाइटी हो ठीक है और ऐसे देश की वो स्थापना करें ऐसी सोसाइटी बनाए ठीक है सो इट वाज अ स्पीच ऑफ पंडित नेहरू ठीक है जी तो ये आपका सेवनटीन चैप्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ़ दिस चैप्टर ओके क्लास थैंक यू